So, students, let's start our lecture. Good morning to everyone. Last lecture 5.3 topic. Tha, wo humne dekha tha. And within 5.3, we have seen web browser and the related terminologies. That is, URL, address bar, links, navigation buttons, tab browsing, then history, and bookmark. And we have also seen the live demonstration of all this terminologies right so students these were the topics which we have completed within last lecture all right now today we will start with the topic that is 5.1.3 internet connection using hotspot wi-fi and cable so within this topic we need to study then how we can connect to the internet with various ways now as we know and if we are planning for uh, taking the internet connection राइट right? अगर हम प्लान कर रहे हैं कि हमें इंटरनेट कनेक्शन लेना है तो उसके अंदर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमें किस हिसाब से इंटरनेट कनेक्शन को यूज करना है और ये सब सारी चीजें जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वो सारी जो भी डिफरेंट वेज है कि जिसके थ्रू हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं उसमें डिफरेंस क्या है अगर हमें डिफरेंस पता होगा तो हम अच्छी तरह से वो पर्टिकुलर इंटरनेट कनेक्शन मीन्स द वे वी कनेक्ट विद द इंटरनेट वो हम डिसाइड कर सकते हैं नाउ डिज देर आर न्यूमरस वेज फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप है डेस्कटॉप है, है हमारे मोबाइल फोन्स है राइट right? मतलब बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं कि जिसका यूज करके हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं बट द थिंग इज दैट द वे वी यूज टू कनेक्ट विद द इंटरनेट इज द डिफरेंट थिंग ये तो मैंने सारी चीजें जो आपको बताई दैट इज लैपटॉप डेस्कटॉप मोबाइल फोन्स दी आर द डिवाइसेस कि जो हमें कनेक्ट करना है इंटरनेट के साथ ताकि हम इंटरनेट के ऊपर सर्फ कर सके बट द थिंग इज दैट हम किस हिसाब से इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं वो हमें पता होना चाहिए वो सारे वेज के बीच में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए तो हम अच्छी तरह से ये तय कर पाएंगे वी विल एबल टू डिसाइड राइट दैट हाउ वी विल यूज द इंटरनेट सो वो चीज हम ये टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे सो द फर्स्ट इज इंटरनेट कनेक्शन यूजिंग हॉटस्पॉट नाउ व्हाट इज हॉटस्पॉट आप लोग बहुत बार अपने मोबाइल के अंदर राइट right? किसी और को आपका डेटा प्लान या फिर आपका डेटा नेटवर्क यूज करने की परमिशन देती हो आप उसे हॉटस्पॉट कहते हो राइट बट दैट एक्चुअली व्हाट इज द हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट मतलब एक ऐसा फिजिकल लोकेशन राइट कि जहाँ से पीपल इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, बाय यूजिंग द वाईफाई टेक्नोलॉजी राइट और वहां पे जो नेटवर्क बनाया गया होता है दैट इज वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क और वो किससे बना होता है अब ये क्या क्या है, router क्या है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली है बट स्टिल मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो हमें इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड राउटर इज द डिवाइस की जो हम नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं

और इसके अंदर राउटर्स यूज होते हैं किसके साथ कनेक्ट करने के लिए दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट करने के लिए सो दिस इज हाउ और मोर प्रिसाइज दिस इज द थिंग कि जिसे हम हॉटस्पॉट कहते हैं कि जहां से पीपल इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं अब अगर हमें हॉटस्पॉट यूज़ करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ यूटिलाइज करता है तो वो तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया ही कि हॉटस्पॉट क्या यूटिलाइज करता है वाईफाई टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ कर सकता है वो क्या अलाउ करेगा ताकि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सके या फिर डेटा एक्सचेंज कर सके लेकिन वायरलेसली राइट right? वहां पे कोई भी केबल नहीं होता है एंड इफ वी टॉक अबाउट वायरलेस टेक्नोलॉजी तो हमें यहाँ पे रेडियो वेव्स कंसिडर करने पड़ेंगे राइट सो अगेन आई रिपीट हॉटस्पॉट क्या यूटिलाइज करता है इट यूटिलाइजेस वाईफाई टेक्नोलॉजी वो क्या अलाउ करेगा ताकि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है राइट right? वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सके या फिर डेटा को एक्सचेंज कर सके बट वायरलेसली और यहाँ पे हम जो वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे रेडियो वेव्स कंसिडर करने हैं हॉटस्पॉट कौन कौन सी चीज हो सकती है आपका फोन भी हॉटस्पॉट प्रोवाइड कर सकता है कमर्शियल नेटवर्क्स जो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं वो सारी चीजें कैन बी कंसिडर्ड एज एन हॉटस्पॉट अगेन आई रिपीट आपका फोन जो होता है वहां से भी हम हॉटस्पॉट बना सकते हैं हम फॉर एग्जांपल कैफेज में जाते हैं होटल्स में जाते हैं या फिर कोई भी हम पब्लिक प्लेस के ऊपर जाते हैं राइट जहाँ पे हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं दैट पर्टिकुलर लोकेशन और दैट पर्टिकुलर प्लेस कैन बी ट्रीटेड एज एन हॉटस्पॉट अब अगर हम पब्लिक हॉटस्पॉट की बात करें तो ऑबवियसली वो तो कौन क्रिएट कर सकता है फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है कि uh, वो वो पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर ओनर ऐसा चाहता है कि मेरे यहाँ जो कस्टमर्स आते हैं वो अच्छी तरह से इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सके तो वहां पे भी ये हॉटस्पॉट बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कैफेज में जाते हो होटल्स में जाते हो जहां पे ये वाईफाई फ्रीली अवेलेबल होता है राइट right? सो so, पब्लिक हॉटस्पॉट मतलब ऐसे हॉटस्पॉट्स की जो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं पब्लिक प्लेस के ऊपर अवेलेबल होते हैं और मोर प्रिसाइज ये जो पब्लिक हॉटस्पॉट है वो कौन क्रिएट करता है ऑब्वियसली कोई बिजनेस क्रिएट करेगा ताकि उनके यहाँ जो कस्टमर्स आते हैं राइट right, वो वो हॉटस्पॉट का यूज करके इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं अब ये पब्लिक हॉटस्पॉट कैसे बनाया जाता है देन इट इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स

इसे कितना एक्सेस कर पाएगा वो सारी चीजें ये जो ओनर होते हैं वो डिसाइड करेंगे बट ओवर हियर वी नीड टू रिमेम्बर इज कि हम यहाँ जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट की बात करते हैं वो इस हिसाब से कंफिगर होता है ताकि जो भी ये पर्टिकुलर वायरलेस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट करे राइट right? वो पीपल वो यूजर्स इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं नाउ प्राइवेट हॉटस्पॉट भी होता है एंड मोर प्रिड प्राइवेट हॉटस्पॉट्स आर नोन एज टीदरिंग जो आपके मोबाइल फोन के अंदर ये टर्मिनोलॉजी अवेलेबल है नाउ व्हाट इज टीथरिंग ये प्राइवेट हॉटस्पॉट या फिर आप टीथरिंग के अंदर आपके स्मार्टफोन या फिर आपके टैबलेट को इस हिसाब से कॉन्फिगर करते हो राइट right? ताकि जो भी अदर डिवाइसेस के जो आपके फोन के साथ कनेक्ट हो राइट right? तो वो सारे डिवाइसेस भी आपका नेटवर्क डेटा प्लान यूज कर सके अगेन आई रिपीट प्राइवेट हॉटस्पॉट या फिर आप उसे टीदरिंग भी कह सकते हो वो इस हिसाब से कॉन्फिगर किया जाता है विद इन योर स्मार्टफोन या फिर विद इन योर टैबलेट कि जिसके अंदर नेटवर्क डेटा प्लान अवेलेबल है वो इस हिसाब से कॉन्फिगर किया जाता है ताकि जो दूसरे डिवाइस होते हैं वो आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट करके इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं अब आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ भी यूज कर सकते हैं या राइट या फिर आप अपने डिवाइस में हॉटस्पॉट या फिर तीधरिंग ऑन करोगे तो वो वहाँ पे पासवर्ड पूछेगा अगर वहां पे वो लोग जो पासवर्ड है आपने जो सेट किया है वो पासवर्ड वो सक्सेसफुली मैच होता है तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर डिवाइस जो इंटरनेट एक्सेस करना चाहता है वो आपके फोन का नेटवर्क यूज कर सकता है आपके फोन के साथ इन द फॉर्म ऑफ वाईफाई नेटवर्क के हिसाब से कनेक्ट होगा राइट right? और बाद में आपके फोन थ्रू वो इंटरनेट को एक्सेस कर पाएगा राइट सो दिस इज प्राइवेट हॉटस्पॉट या फिर दिस की जो मोर मोस्टली हम यूज करते हैं अब हमें पता है दैट इज फोन वाई फाई हॉटस्पॉट आपने भी बहुत बार यूज किया होगा राइट फोन वाई फाई हॉटस्पॉट मतलब अगर हम सिंपल हॉटस्पॉट की बात करें तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड अ नेटवर्क डेटा सर्विसेस

इक्विवेलेंट टू द ब्रॉडबैंड मॉडेम या फिर राउटर मतलब आपका फोन राउटर या फिर मॉडेम के हिसाब से बिहेव करेगा राइट फॉर एग्जाम्पल आप अगर किसी को अपने फोन को फोन का यूज करके इंटरनेट को एक्सेस करने की परमिशन देते हो इट मीन्स आपके फोन के अंदर नेटवर्क डेटा प्लान है और वो पर्टिकुलर डेटा प्लान दूसरे जो डिवाइसेस जो आपके फोन के साथ कनेक्ट होते हैं वो सारे डिवाइसेस आपके फोन का डेटा प्लान यूज कर सकते हैं राइट मीन योर फोन योर डिवाइस दूसरे सारे डिवाइसेज को इंटरनेट एक्सेस करने में हेल्प करता है या फिर मोर प्रेसाइज आपके फोन थ्रू जो दूसरे सारे डिवाइसेज है वो इंटरनेट एक्सेस करते हैं कि अगर हम फोन वाईफाई हॉटस्पॉट की बात करें तो उसके अंदर हमारा जो डिवाइस है राइट इट विल बिहेव एज अ राउटर और अ मॉडम ताकि जो भी दूसरे डिवाइसेस है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सके राइट वी कैन ऑल्सो से हमारा वेब कनेक्शन है वो हम, हम हमारे डिवाइस के साथ जो दूसरे सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं उसके साथ हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं

राइट अनदर थिंग इज दैट अगर मुझे मेरा जो लैपटॉप है या फिर मेरा जो टैबलेट है उसे ऑनलाइन करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फोन वाईफाई हॉटस्पॉट तो मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे फोन के अंदर मुझे हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली हॉटस्पॉट के साथ मेरे फोन के अंदर पासवर्ड होगा राइट right? मेरे लैपटॉप या फिर मेरे टैबलेट के अंदर वाईफाई कनेक्शंस के अंदर मेरा फोन डिस्प्ले होगा वो पर्टिकुलर वाईफाई कनेक्शन को मैं सिलेक्ट करूंगी वो मुझे पासवर्ड पूछेगा तो मुझे वही पासवर्ड देना है कि जो मेरे फोन के अंदर मैंने सेट किया है जैसे ही मैं वो पासवर्ड दूंगी पासवर्ड वेरीफाई होगा और अगर मेरा लैपटॉप या फिर मेरा टैबलेट मेरे फोन के रेंज में है तो ऑटोमेटिकली वो लैपटॉप और टैबलेट मेरे फोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ वाई और मेरे फोन के अंदर जो डेटा प्लान है वो लैपटॉप या फिर टैबलेट यूज कर सकते हैं फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट राइट सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ दैट फोन वाईफाई हॉटस्पॉट कैसे हेल्प करेगा कैसे वर्क करेगा या फिर फोन वाईफाई हॉटस्पॉट का यूज करके हम इंटरनेट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं विद इन आवर लैपटॉप या फिर विद इन आवर टैबलेट अब ये कैसे वर्क करेगा अगर हमें हमारे फोन को हॉटस्पॉट की तरह यूज करना है राइट right? तो हमें क्या करना पड़ेगा वी नीड टू ट्रीट आवर डिवाइस राइट द डिवाइस ट्रीट इट्स ऑनलाइन कनेक्शन टू द डेटा नेटवर्क एज इफ के वो ब्रॉडबैंड डेटा सोर्स है अगेन आई रिपीट अगर हम हमारे फोन को एज अ हॉटस्पॉट कंसीडर करना चाहते हैं हॉटस्पॉट यूज करना चाहते हैं तो डिवाइस इस हिसाब से ट्रीट करेगा कि उसका खुद का जो ऑनलाइन कनेक्शन है राइट टू द नेटवर्क डेटा इट विल बी एक्ट एज अ ब्रॉडबैंड डेटा सोर्स मतलब वो डेटा सोर्स के हिसाब से एक्ट करेगा राइट right? ताकि जो हमारे जो डिवाइसेस है दूसरे सारे डिवाइसेज है वो पर्टिकुलर इंटरनेट कनेक्शन को यूज कर सके बाद में वो क्या करेगा वो अपने डेटा लोकली ट्रांसमिट कर सकता है राइट विद एन मिनी वाईफाई राउटर आपका जो फोन होगा वो मिनी वाईफाई राउटर के हिसाब से वर्क करेगा और जो भी डेटा ट्रांसमिट करने हैं इट विल यूज इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा राइट मतलब आपका डिवाइस मिनी वाईफाई राउटर के हिसाब से बिहेव करेगा और वो डेटा ट्रांसमिट कर सकता है ये पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का

फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने घर पे जो इंटरनेट कनेक्शन लेते हो राइट वो इंटरनेट कनेक्शन कैसे होता है एक केबल होता है जो आपके घर में आता है वो पर्टिकुलर केबल राइट राउटर में जाता है बिकॉज आपको आपके घर के अंदर भी वायरलेस कनेक्शन चाहिए ताकि कोई भी मोबाइल डिवाइस या फिर कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो इंटरनेट को यूज कर सके राइट तो वहां पे कैसे होगा वो जो केबल होगा वो राउटर के अंदर आएगा राउटर में से एक केबल आपके कंप्यूटर में जाएगा अगर डेस्कटॉप है तो आपके कंप्यूटर में जाएगा और बाद में वो राउटर के साथ दूसरे सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं हमारे घर के अंदर वो उसके साथ कनेक्ट करके राउटर थ्रू इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं लाइकवाइज अगर आपको अपने फोन को एज एन हॉटस्पॉट के जैसे यूज करना है तो सेम चीज यूज होगी वहां पे जो राउटर होगा उसके बदले में आपका फोन एज अ राउटर के हिसाब से बिहेव करेगा ताकि जो दूसरे सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है जो आपके फोन के साथ कनेक्ट होते हैं वो आपके फोन के डेटा नेटवर्क सर्विस है उसका यूज करके इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं राइट दिस इज़ हाउ ये पर्टिकुलर फोन को हम हॉटस्पॉट के हिसाब से कैसे वर्क करवा सकते हैं और राइट नाउ द अनदर टॉपिक इज दट इज इंटरनेट कनेक्शन यूजिंग वाई फाई वाई फाई का फुल फॉर्म क्या है दैट इज वायरलेस

नेटवर्क राइट right? अब ये हम वाईफाई टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम इसका ग्रेटेस्ट uh, एडवांटेज क्या कंसिडर कर सकते हैं इसका ग्रेटेस्ट एडवांटेज ये है कि ये वाईफाई कनेक्शन ऑलवेज ऑन रख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे जो वाईफाई है वो आप कभी भी स्विच ऑफ नहीं करते हो राइट right? अगर आप रात को सो भी जाते हो फिर भी वो आप स्विच ऑन ही रखते हो इट मींस कि जब तक हम वो पर्टिकुलर डिवाइस को स्विच ऑफ नहीं करेंगे कि जिसके थ्रू हमें ये वाईफाई कनेक्शन मिल रहा है तब तक वो इंटरनेट कनेक्शन ऑलवेज ऑन रहेगा सो दैट इज द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन राइट सो वो नेटवर्क की कवरेज के अंदर जितने भी डिवाइसेस आएंगे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आएंगे वो सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वो वाईफाई नेटवर्क का यूज करके इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं सो स्टूडेंट्स वायरलेस कनेक्शन को पॉसिबल बनाना है तो वो किसके थ्रू पॉसिबल हो सकता है विद द यूज ऑफ मॉडम राइट मॉडम क्या करेगा जो भी इंटरनेट सिग्नल्स होंगे उसे पिक करेगा और दूसरे डिवाइसेस को वो सेंड करेगा सो दिस इज हाउ कि हम वायरलेट वायरलेस कनेक्शन कैसे बना सकते हैं राइट अगेन आई रिपीट अगर आपको वायरलेस कनेक्शन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको मॉडेम का यूज करना पड़ेगा बिकॉज हमने नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर देखा था कि अगर हमें इंटरनेट को एक्सेस करना है तो वहां पे हमें मॉडेम को यूज करना पड़ेगा दैट्स वाई अगर हमें वायरलेस कनेक्शन बनाना है तो हम वहां पे मॉडेम का यूज करेंगे मॉडेम क्या करेगा जो भी इंटरनेट सिग्नल्स आएंगे उसे पिक करेगा और दूसरे सारे डिवाइस को वो सेंड करेगा राइट दिस इज हाउ कि हम कैसे वायरलेस कनेक्शन बना सकते हैं बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज यहाँ पे जो भी हम वायरलेस कनेक्शन की, की बात कर रहे है वहां पे द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज रेडियो सिग्नल्स बिकॉज मैंने हर बार आपको बताया है कि जहां पे भी हम वायरलेस कनेक्शन की बात करते हैं वहां पे रेडियो वेव्स वर्क करते हैं सो so, क्या होगा ये जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं राइट दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वाईफाई वाईफाई और जो भी antennas through ये जो भी थ्रू ये सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं वो कौन रिसीव करेगा वो कौन पिक करेगा वाईफाई रिसीवर्स वो पिक करेंगे फॉर एग्जाम्पल आपका कंप्यूटर्स सेलफोन्स ये सारे जो डिवाइस है दे आर नोन एज वाई फाई रिसीवर दट इज वाई फाई वायरलेस कनेक्शन का यूज करके हम इंटरनेट के एक्सेस करना चाहते हैं दैट्स व्हाई दे आर नोन एज वाईफाई रिसीवर्स अब ये जो वाईफाई रिसीवर्स है दैट इज योर कंप्यूटर या फिर सेल फोन वो पर्टिकुलर रेडियो सिग्नल्स को पिक करेंगे और ये रेडियो सिग्नल्स किसने भेजे होंगे दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू वाई फाई एंटेस बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज आप कोई भी कंप्यूटर की बात करो या फिर सेलफोन की बात करो या फिर लैपटॉप की बात करो इन शॉर्ट आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बात करो जिसे वाईफाई को यूज करना है दैट इज वायरलेस कनेक्शन को यूज करना है एंड दे हैव टू एक्ट एज अ वाईफाई रिसीवर तो वो सारे डिवाइसेस के अंदर वाईफाई कार्ड्स होने चाहिए अगेन आई रिपीट वो सारे डिवाइसेस के अंदर वाईफाई कार्ड्स होने चाहिए तो ही वो वाईफाई सिग्नल्स को रिसीव कर सकते हैं कि जो वाईफाई एंटीनास ने सेंड किए हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियो सिग्नल्स अब जब भी ये कंप्यूटर्स ये सिग्नल करेंगे करने है तो वो वाई फाई नेटवर्क के रेंज के अंदर होना चाहिए वो दैट इज दस थिंग राइट अगर आपके पास बहुत ही अच्छा वाई फाई कनेक्शन है वाई फाई नेटवर्क है राइट देन इट

वाईफाई नेटवर्क है और कितना स्ट्रॉन्ग हम वो डिवाइस यूज कर रहे हैं कि जिसका यूज करके हम ये वाईफाई सिग्नल सेंड कर रहे हैं राइट अब जो भी ये वाईफाई सिग्नल्स होंगे वो आपके कंप्यूटर कैसे रिसीव करेगा विद द हेल्प ऑफ वाईफाई कार्ड वाईफाई कार्ड क्या करेगा वाईफाई कार्ड ये सिग्नल्स को रीड करेगा और उसे पता चलेगा कि ओके यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल है तो वो क्या करेगा यूजर और नेटवर्क के बीच में इंटरनेट कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देगा विदाउट यूजिंग एनी कॉर्ड विदाउट यूजिंग एनी केबल अगेन आई रिपीट वाईफाई कार्ड क्या करेगा वो ये सिग्नल्स को रीड करेगा जो वाईफाई एंटीनास ने भेजे हैं बट द मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज कि ये जो आपका वाईफाई कार्ड है वो वाईफाई नेटवर्क की रेंज के अंदर होना चाहिए अगर उसे वाईफाई सिग्नल्स मिलते हैं तो वो क्या करेगा इंटरनेट कनेक्शन क्रिएट करेगा किसके बीच में ऑब्वियसली यूजर एंड द नेटवर्क के बीच में इंटरनेट कनेक्शन क्रिएट करेगा बट विदाउट द कॉर्ड या फिर विदाउट केबल नाउ वहां पे एक्सेस पॉइंट्स होने चाहिए नाउ व्हाट इज एक्सेस पॉइंट्स एक्सेस पॉइंट कंसिस्ट ऑफ एंटेनास एंड राउटर्स राइट अगेन आई रिपीट एक्सेस पॉइंट कि अंदर कौन-कौन सी चीजें हमें कंसिडर करनी है? जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसमिट या फिर रिसीव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियो अगेन आई रिपीट ये जो हम वाईफाई कनेक्शन की बात कर रहे हैं वाईफाई नेटवर्क की बात कर रहे हैं वो कैसे पॉसिबल होता है एक्सेस कर सकते हैं और ये एक्सेस पॉइंट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है एंटेनाज होते हैं और राउटर्स होते हैं, राइट दे आर द मेन सोर्स कि जहां से हम रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं अब ये एंटेना के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जो नेटवर्क बनेगा वो कितने डायमीटर का बनेगा अगेन रिपीट वो एंटेना के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जो नेटवर्क बनेगा वो कितने वो कितने डायमीटर में पर्टिकुलर नेटवर्क बनेगा अगर वो एंटेना बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो वहां पे जो नेटवर्क बनेगा वो दैट विल बी अबाउट 300 हंड्रेड टू फाइव फीट की जो हमें मोस्टली जो भी पब्लिक प्लेसेस है वहां पे मिलता है राइट right? और अगर हमारा जो एंटेना है दैट इज सम वॉट वीकर राइट तो वहाँ पे हमें जो डायमीटर मिलेगा दैट इज फॉर अवर नेटवर्क वो 100 टू 150 फीट के बीच में होगा राइट सो ऑब्वियसली हमारे घर के अंदर 100 टू 150 फीट होगी राइट देन इट विल बी गुड इनफ राइट वहाँ पे हम इजीली उसको यूज कर सकते हैं दैट्स वाई अगर हम हमें पब्लिक प्लेस के ऊपर या फिर पब्लिक एरिया के अंदर अगर हमें ये वाईफाई नेटवर्क बनाना है तो वहाँ पे हमें स्ट्रोंगर एंटेनाज यूज करने पड़ेंगे और अगर हमारे जो भी होम है राइट right? अगर वहाँ पे हमें नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है तो हम थोड़ा वीकर राउटर भी वहाँ पे यूज कर सकते हैं कि जिसके पास एंटेना हो और वो हमें वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड करे राइट right? सो so, नाउ जैसे मैंने आपको बताया की अगर आपको वायरलेस कनेक्शन का यूज करना है तो आपके पास वाई फाई कार्ड होने चाहिए नाउ वट इज दिस वाईफाई कार्ड्स वाईफाई कार्ड्स जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके डिवाइस को वाईफाई सिग्नल्स को रिसीव करना है तो आपके डिवाइस के अंदर वाईफाई कार्ड होना चाहिए अगेन आई रिपीट अगर आपके डिवाइस को वाईफाई सिग्नल्स या फिर रेडियो सिग्नल्स रिसीव करने हैं ताकि वो इंटरनेट कनेक्शन को यूज कर सके तो आपके डिवाइस के अंदर ये वाई कार्ड होना चाहिए सो यू कैन थिंक वाई फाई कार्ड इज द इनविजिबल कॉर्ड या फिर इनविजिबल केबल की जो आपके कंप्यूटर को एंटेना के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है ताकि आपका कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सके अगेन आई रिपीट आप कार्ड को इस हिसाब से कंसिडर कर सकते हो दैट इट इज एन इनविजिबल केबल या फिर इनविजिबल कॉर्ड राइट कि जिसका यूज करके आपका कंप्यूटर एंटेना के साथ कनेक्ट कर सकता है और वो इंटरनेट को यूज कर सकता है राइट right? Now students, this is the image of Wi-Fi card, right? कि जो आप अपने डिवाइस के साथ यूज कर सकते हो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे जो ये येलो कलर की पींस है वो आपके कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड होगा उसके ऊपर अटैच हो जाएगा सी यहाँ पे लिखा है 802.11, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो ये प्रोटोकॉल के ऊपर वक़ करेगा यहाँ पे ये भी लिखा है दैट इज वायरलेस पीसीआई एडाप्टर मतलब ये पीसीआई स्लॉट के अंदर ये अटैच होगा और ये जो आ, कार्ड है दैट इज वाईफाई कार्ड है उसके साथ ये एंटेनाज होते हैं, ये एंटेना का वर्क क्या है कि जो भी रेडियो सिग्नल्स है जो उसे मिल रहे हैं विद इन द वाईफाई नेटवर्क राइट ये रेडियो सिग्नल्स को वो पिक करेगा और ये नेटवर्क कार्ड जो भी ये वाईफाई कार्ड जो भी डिवाइस के साथ अटैच है वो डिवाइस को वो सारे सिग्नल्स देगा ताकि वो अपने डेटा सेंड और रिसीव कर सके या फिर मोर प्रिस इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सके राइट right? एंड अगर आप इसको देखोगे इट इज सिमिलर टू द एन आई सी कार्ड हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर आपके कंप्यूटर को वायर्ड केबल थ्रू नेटवर्क बनाना है इंटरनेट को एक्सेस करना है तो आपके कंप्यूटर के अंदर एनआईसी कार्ड होना चाहिए लाइकवाइज अगर आपको वायरलेस कनेक्शन के साथ आपके डिवाइस को अटैच करना है तो ये वाई फाई कार्ड आपके कंप्यूटर के अंदर अटैच होना चाहिए अब ये जो वाईफाई कार्ड होते हैं इट कैन बी एक्सटर्नल और इट कैन बी इंटरनल अगर आपके कंप्यूटर के अंदर इंटरनली एक्सपांशन कार्ड के साथ या फिर एक्सपानशन स्लॉट के अंदर ये वाईफाई कार्ड अटैच नहीं है इंस्टॉल नहीं किया गया है तो आप यूएसबी पोर्ट वाला भी ये वाईफाई कार्ड यूज़ कर सकते हो ताकि क्या होगा आपको अपने कंप्यूटर के अंदर वो पर्टिकुलर वाईफाई कार्ड को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप ऐसे वाई कार्ड यूज़ कर सकते हो परचेस कर सकते हो कि जिसके साथ एंटेनाज हो और आपके जो कैबिनेट के पीछे जो पोर्ट्स होते हैं उसके अंदर जो यूएसबी पोर्ट होते हैं वो पर्टिकुलर पोर्ट के साथ ये वाईफाई कार्ड को आप एक्सटर्नली अटैच कर सको राइट और अगर आपके पास जो इंटरनल वाईफाई कार्ड होंगे तो वो मदरबोर्ड के ऊपर जो स्लॉट्स होंगे उसके ऊपर आपको अटैच करना पड़ेगा और उसके बाद आप उसे यूज कर सकते हो अगर आप लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप के अंदर ये पीसीएमसी आईए कार्ड हम यूज करेंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इट दैट इज पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन ये नेम का कार्ड होगा जो लैपटॉप के अंदर स्लॉट के अंदर अटैच हो जाएगा ताकि आपके लैपटॉप के अंदर भी आप ये वायरलेस कनेक्शन को यूज कर सको दैट इज वाईफाई नेटवर्क को आप यूज कर सको ऑलराइट सो नाउ द लास्ट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन दैट टू स्टडी इज द इंटरनेट कनेक्शन केबल दट इज विद राइट ये तो हमने बहुत बार देखा है कि हम कैसे केबल का यूज करके नेटवर्क के अंदर हमारे कंप्यूटर को अटैच कर सकते हैं और उसके बाद हम इंटरनेट के साथ भी हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं या फिर मोड प्रिजाइज हम इंटरनेट को हम एक्सेस कर सकते हैं राइट सो दिंग इज दैट केबल इंटरनेट कनेक्शन इज अ फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड एक्सेस Obviously, हम उसे broadband कहेंगे, right? वो कैसे use होगा With the help of cable modem कि जो यूजर्स को इंटरनेट को एक्सेस करने में हेल्प करेगा और ये जो केबल मॉडेम्स होते हैं, इट विल प्रोवाइड एक्सट्रीमली फास्ट एक्सेस टू द इंटरनेट बिकॉज अगर हम केबल नेटवर्क की बात करें तो वो जो सिग्नल्स है है उन्हें उन्हें एक मिल जाता है कि कहां पे जाना है तो वो अच्छी तरह से वो फ्लो कर पाएंगे नो no डाउट अगर हम वायरलेस कनेक्शन की बात करें तो वहां पे भी उन्हें वो पूरे जो भी एरिया के अंदर हमने उसे रखा है वहां पे स्प्रेड होगा और जितने भी डिवाइस उसके साथ कनेक्ट होंगे वो उसे यूज कर सकते हैं राइट बट इफ वी टॉक अबाउट केबल मॉडर्म तो ये जो केबल है, वेरी फास्ट एक्सेस टू द इंटरनेट अब अगर हम इंटरनेट कनेक्शन यूजिंग केबल की बात करें तो यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स अवेलेबल होते हैं, कि जो हम यूज कर सकते हैं सो देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स कि जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, कि जिसका यूज करके हम इंटरनेट कनेक्शन कर सकते हैं सो द फर्स्ट इज ट्विस्टेड पैर केबल आई रिपीट The 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 first first, is twisted pair cable. We can say it was the first, we can can say say it it was was earliest guided transmission medium, राइट right? जो पहले जो केबल्स आते थे they were known as ट्विस्टेड पैर केबल जो आप ये इमेज के अंदर देख सकते हो राइट right? आप देख सकते हो कि जो भी वायर्स है वो एक दूसरे के साथ ट्विस्ट हुए हैं। ये 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 अगर वायर की बात करो तो के के साथ साथ हुआ हुआ है। है। भी ऑरेंज कलर का वायर ये व्हाइट वायर के साथ ट्विस्ट हुआ है इट मीन्स द वायर्स आर ट्विस्टेड विथ अनदर वायर, 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 वायर wires दोनों वायर्स पैरली ही रन करते हैं राइट right? ये ब्लू वायर भी है और उसके साथ ये व्हाइट वायर भी है दोनों पैरेलली ही रन कर रहे हैं दैट इज एक साथ ही चल रहे हैं बट द थिंग इज दैट दे आर टू ट्विस्टेड विथ ईच अदर राइट दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ केबल इज नोन एज ट्विस्टेड पैर केबल राइट ये केबल के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है देर आर टू कॉपर वायर्स

इंसुलेटर है दूसरा दे आर टिपिकली वन मिलीमीटर डायमीटर उतने थीन होते हैं कि उनका डायमीटर कितना होता है वन मिलीमीटर का उनका डायामीटर होता है और वो एक इंसुलेटेड प्लास्टिक होता है उसके अंदर रैप किए गए होते हैं अब ये दो वायर क्यों हैं एक वायर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए काम आएगा और दूसरा वायर ग्राउंड रेफरेंस के हिसाब से वर्क करेगा आई रिपीट एक वायर डेटा ट्रांसमिट करने में काम लगेगा और जो दूसरा वायर होगा वो ग्राउंड रेफरेंस के हिसाब से वर्क करेगा मतलब जैसे हम इलेक्ट्रिकल अगर हम केबल यूज करते हैं तो उसके अंदर अर्थिंग होता है राइट right? मतलब ये एक्स्ट्रा वायर के जो एक्स्ट्रा सिग्नल्स होते हैं वो डायरेक्ट अर्थ के अंदर पास ऑन कर देता है लाइकवाइज ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल है उसके अंदर भी वो जो वायर ट्विस्ट होते हैं उसके अंदर टू कॉपर वायर्स होते हैं एक जो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए काम होता है लगता है और दूसरा है जो ग्राउंड रेफरेंस के लिए वर्क करेगा लेकिन दोनों जो वायर्स होते हैं वो पैरेलली वर्क करते हैं बट इन ट्विस्टेड

राइट right? कि जो मेटल शील्डिंग के साथ अवेलेबल होता है राइट right? ये मेटल शील्डिंग क्यों होता है ताकि जो भी दैट इज के वो, वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस तक और विथ हायर स्पीड हमारे डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है अब आप ये जैसे डायग्राम में देख सकते हो एक्चुअली दिस इज द कॉपर वायर जो डेटा ट्रांसमिट करने में काम लगता है राइट right? लेकिन ये जो कॉपर वायर है दैट इज द कोर उसके ऊपर इनर इंसुलेटर होता है विच इज द मेटल उसके ऊपर दूसरा एक कंडक्टर होता है दैट इज आउटर कंडक्टर और उसके ऊपर प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवर होता है इट मींस ये पर्टिकुलर जो कॉपर वायर है वो एक्चुअली हमारा डेटा ट्रांसमिट करता है लेकिन वो कितने लेयर के नीचे है दैट इज 1 2 एंड 3 एंड द फोर्थ लेयर दैट इज द कोर लेयर दैट इज ऑफ कॉपर कि जो एक्चुअली हमारा डेटा ट्रांसमिट करता है लेकिन ये इतने लेयर्स के अंदर इसीलिए है कॉज ये जो इंसुलेटर है वो इस हिसाब से वर्क करेगा कि बाहर का जो भी नॉइज है बाहर का जो भी डिस्टरबेंस है वो ये कॉपर वायर तक ना पहुंच सके और ऑब्वियसली एक प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवर तो चाहिए ही ताकि कोई भी पीपल इसे डायरेक्टली टच ना कर सके एज आई हैव टोल्ड कि जो कोएक्स है उसके अंदर एक सेंट्रल कोर होता है राइट right? जो कॉपर कंडक्टर है जो एक्चुअली आपके सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा उसके ऊपर क्या है इंसुलेटिंग मटेरियल है वो तो हमने ये देखा दैट इज ऑफ द सिल्वर कलर दैट इज इंसुलेटिंग मटेरियल और ये जो इंसुलेटर है वो फिर से किसके किसके अंदर है इज़ ये जो इंसुलेटर है उसके ऊपर दूसरा एक लेयर है दैट इज मेटल आउटर कंडक्टर जो एक्चुअली ये नॉइस के लिए यूज होता है दैट इज इट इज द इम्यूनिटी अगेंस्ट द Noise. और उसके ऊपर ये जो आउटर कंडक्टर है वो किसके अंदर एनक्लोज हुआ है दैट इज प्लास्टिक इंसुलेटिंग कवर दैट इज दिस ब्लैक कलर प्लास्टिक कवर जो मैंने बोला प्रोटेक्टिव ये ऑलराइट सो स्टूडेंट्स दिस इज अबाउट द को एक्स केबल दबल फोर लेते हैं राइट और ये जो कॉपर वायर है वो एक्चुअली आपके डेटा को ट्रांसमिट करता है दट इज आपके सिग्नल को ट्रांसमिट करता है और उस वो किसके अंदर एनक्लोज है इट इज एनक्लोज विद इन द इंसुलेटर राइट इंसुलेटर किसके अंदर एनक्लोज है दैट इज आउटर कंडक्टर की जो एक्चुअली राइट नॉइस के अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा और ये जो आउटर कंडक्टर है थर्ड टाइप ऑफ केबल दैट इज द लास्ट टाइप ऑफ केबल दैट वी स्टडी विदिन इंटरनेट कनेक्शन यूजिंग केबल इज फाइबर ऑप्टिक केबल की जो अभी के इंटरनेट कनेक्शन को करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करते हैं राइट right? जो सिग्नल लाइट के फॉर्म में कैरी करेंगे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां पे भी ऑप्टिकल वर्ड आता है वहां पर आपको लाइट कंसिडर करनी है एंड ऑबियसली अगर ये फाइबर ऑप्टिक केबल है दैट इज ऑप्टिकल फाइबर केबल है तो ये इट इज सिमिलर टू इलेक्ट्रिकल केबल बट इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं कि जो लाइट को कैरी करते हैं राइट अब ये जो ऑप्टिकल फाइबर एलिमेंट्स होते हैं राइट right? वो इंडिविजुअली प्लास्टिक लेयर के साथ कोटेड होते हैं राइट right? और वो किसके अंदर होते हैं प्रोटेक्टिव ट्यूब के अंदर होते हैं राइट अगेन आई रिपीट ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं कि जो एक्चुअली लाइट को कैरी करते हैं वो कोटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक लेयर्स और ऐसे जितने भी ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं विच आर कोटेड विद प्लास्टिक लेयर्स वो कंबाइन किए जाते हैं एंड दे आर कंटेंट विद इन द प्लास्ट प्रोटेक्टिव ट्यूब सी ओ वही ये जो कोर है राइट दैट इज द ऑप्टिकल फाइबर उसके बाद ये मटेरियल है राइट right? और उसके ऊपर ये दूसरा मटेरियल है दैट इज इज केबल शील्ड दिस फॉर क्या है वो हम देखते हैं एंड दिस दिस इज इज कोर द ऑप्टिकल फाइबर विच इज द एक्चुअल थिंग कि जिसके अंदर ये लाइट वेव ट्रांसमिट होंगे दैट इज लाइट रेस ट्रांसमिट होंगे दैट इज दिस वाइट वन जो थोड़ा लाइट ग्रे है दैट लेयर इज यूज फॉर क्लेडिंग राइट

कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल टेली कम्युनिकेशन के लिए यूज करना है तो हम उस हिसाब से केबल को यूज करेंगे अगर हाई स्पीड डेटा कनेक्शन प्रोवाइड करना है तो हम उस हिसाब से ये केबल को यूज करेंगे मतलब उस टाइप का केबल हम यूज करेंगे सो इट डिपेंड्स कि हमें कहाँ पे ये नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है हमें कहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फाइबर ऑप्टिक केबल उस हिसाब से वो टाइप का हम केबल यूज करेंगे अब ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स है जैसे मैंने आपको बताया वो कोर के साथ है उसके बाद क्लेडिंग लेयर है राइट ये क्लेडिंग लेयर इसीलिए सिलेक्ट किया जाता है ताकि ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है राइट वो जो लाइट रिफ्लेक्शन होता है वो बाहर ना जाए अगर हमें हमारा जो भी लाइट रेज है वो उसे स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सके तो ऑब्वियसली ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि लाइट रेज कैसे पास होते हैं सी दिस इज द रेड कलर दैट इज द लाइट रेज वो रिफ्लेक्शन के साथ जाते हैं दैट इज अगर यहाँ से लाइट रेज आते हैं तो ये लेयर के साथ स्ट्राइक होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा ये लेयर फिर से रिफ्लेक्ट करेगा ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा मीन्स ये रिफ्लेक्टिविटी के ऊपर वर्क करता है राइट तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो रिफ्लेक्टिविटी होती है उसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो अच्छी तरह से वर्क करे क्योंकि अगर ये लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो लॉन्ग डिस्टेंस तक हम उसे ट्रेवल नहीं करवा सकते सो so, ये क्लेडिंग क्या है जो मैंने आपको बताया था ये क्लेडिंग वो एक पॉलीमर कोटेड कोटेड होता है, मतलब ये फाइबर्स क्लेडिंग के अंदर जो कोटेड होते हैं, राइट ये क्लेडिंग लेयर पॉलीमर का बना हुआ होता है राइट इसका वर्क क्या है कि उसे फाइबर को प्रोटेक्ट करना है अगेन आई रिपीट इसका वर्क क्या है क्लेडिंग लेयर का वर्क क्या है उसे फाइबर को प्रोटेक्ट करना है अगेन आई रिपीट जैसे आप ये डायग्राम के अंदर देख सकते हो ये जो बीच वाला कोर पार्ट है वही लाइट को ट्रांसमिट करता है लाइट को कैरी करता है उसके ऊपर ये जो क्लेडिंग लेयर है ये क्लैडिंग लेयर का वर्क क्या है कि उसी ये पर्टिकुलर फाइबर को प्रोटेक्ट करना है ताकि वो डैमेज ना हो सके बिकॉज़ अगर फाइबर डैमेज हो जाएंगे तो उसके अंदर से लाइट ट्रैवल नहीं कर पाएगी इसलिए ये क्लैडिंग लेयर जो पॉलीमर से बना हुआ होता है उसका मेन टास्क इज टू तो प्रोटेक्ट द तो फाइबर अगेंस्ट द डैमेज वो ऑप्टिकल वेव को गाइड करने में काम नहीं लगता है उसका सिर्फ यही काम है कि उसे फाइबर को प्रोटेक्ट करना है ताकि वो डैमेज ना हो सके राइट right? और हमने ये देखा कि जो इंडिविजुअल फाइबर्स होते हैं राइट right? वो इंडिविजुअल फाइबर्स ये क्लेडिंग लेयर के अंदर होते हैं वो प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर होते हैं ताकि वो बिगड़ ना सके ताकि वो डैमेज ना हो सके राइट दैट्स वाई वी कैन से ये जो फाइबर्स uh, है राइट क्लेडिंग लेयर है वो उसके बाद किसके अंदर होगा दैट इज टफ रेजिन बफर लेयर होगा या फिर आप उसे कोर ट्यूब कह सकते हो कि जिसके अंदर ये पूरा बना हुआ होता है उसके बाद आप ये भी एज्यूम कर सकते हो कि सेवरल प्रोटेक्टिव शील्ड होंगे दैट इज सेवरल प्रोटेक्टिव लेयर्स भी हो सकते हैं कि जो ये पर्टिकुलर केबल को प्रोटेक्ट करने में वर्क करता है नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट अगर हम ये चाहते हैं कि एक वायर की लाइट या फिर एक फाइबर की लाइट दूसरे फाइबर की लाइट के साथ इंटरफेयर ना करे तो हमें उसे उस हिसाब से व्रेपिंग करना पड़ेगा या फिर हमें उस हिसाब से वैसे लेयर के अंदर उसे बनाना पड़ेगा ताकि जो भी अगर एक फाइबर में से लाइट लीक भी होती है तो वो दूसरे फाइबर के अंदर एंटर ना कर सके जो अलग अलग फाइबर होते है की जो हम ये फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर यूज करते है वो फाइबर्स लाइट एब्सॉर्बिंग ग्लास के अंदर भी हम रख सकते हैं जो डार्क कलर के होंगे और हमें पता है कि अगर हम डार्क कलर के ग्लास के अंदर लाइट ऑन भी करते हैं तो वो लाइट बाहर नहीं जाती है लाइकवाइज अगर हमारे फाइबर्स ये लाइट एब्जॉर्बिंग ग्लास के अंदर हम रख देंगे दैट इज ऑफ डार्क कलर तो अगर कोई लाइट फाइबर में से लीक भी होती है तो वो दूसरे फाइबर के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी

क्लेडिंग लेयर तो बनाना ही पड़ेगा क्लैडिंग लेयर तो चाहिए ही ताकि वो फाइबर डैमेज ना हो बट अलोंग विद दैट हमें एक ऐसा लाइट ग्लास भी चाहिए जो डार्क कलर का होगा ताकि कोई दूसरी एक फाइबर की लाइट दूसरी फाइबर के अंदर एंटर ना सके ना कर सके दैट इज क्रॉस कनेक्शन ना हो पाए बिटवीन द फाइबर्स और बाहर से भी कोई भी लाइट वो पर्टिकुलर फाइबर को इफेक्ट ना कर सके

राइट right? और वो रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें उस हिसाब से उसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एड करना पड़ेगा लेकिन हमें ये भी पता है है कि वो जो होता है, right? अगर वो जो रिफ्लेक्शन होता राइट अगर डिस्टर्ब ना हो, ना हो हो डैमेज तो हमें उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बनाना पड़ेगा दैट इज क्लैडिंग लेयर और वो क्लेडिंग लेयर के ऊपर भी हम प्रोटेक्टिव शील्ड बना सकते हैं ये जो क्लेडिंग लेयर है वो इंडिविजुअल फाइबर के ऊपर होता है और अगर हम फर्दर ये भी चाहते हैं कि एक फाइबर दूसरे फाइबर को डिस्टर्ब ना करे दैट इज क्रॉस कनेक्शन ना हो तो हमें वो फाइबर्स के ऊपर क्लेडिंग लेयर के ऊपर हमें लाइट एब्जॉर्बिंग ग्लास भी अटैच करना चाहिए ऐसा एक असेंबली बनानी चाहिए कि जिसके ऊपर लाइट एब्जॉर्बिंग ग्लास भी हो जो डार्क कलर का हो ताकि एक फाइबर की लाइट जो लीक होती है वो दूसरे फाइबर के अंदर एंटर ना कर सके और बाहर की भी कोई लाइट फाइबर को इफेक्ट ना कर सके राइट सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज इंटरनेट कनेक्शन यूजिंग हॉटस्पॉट वाई फाई एंड केबल राइट ना वो अगर आपको कोई डिफिकल्टी है कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो और उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे